आरसीबी की जीत से ज्यादा आजकल चर्चा होती है दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक आजकल आरसीबी की हर जीत में अपना योगदान भर भर के दे रहे हैं। इस सीजन की बात करें तो दिनेश कार्तिक अपनी टॉप क्लास की फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक इस आईपीएल में दिनेश कार्तिक के बल्ले से नाबाद 66 रन, 34 रन, नाबाद 7 रन, नाबाद 44 रन, नाबाद 14 रन, नाबाद 32 रन निकले हैं। इस दौरान कार्तिक केवल एक बार आउट हुए हैं और केवल एक बार 10 से कम रन बनाए हैं। साथ ही अभी तक इस सीजन में वो अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में अपनी पारी से कार्तिक ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। कार्तिक ने मैच के बाद कहा है कि मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं। भारतीय टीम के लिए खेलना मेरा प्रमुख लक्ष्य है, मेरे क्रिकेट करियर की यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है। मैं वो सारी चीजें कर रहा हूं जिससे मुझे देश के लिए खेलने का मौका मिले। अपने साथी खिलाड़ियों के लिए कार्तिक आगे कहते हैं कि अपने खेल के दौरान आपको अच्छे गेंदबाजों को सम्मान देना होता है। इसी कारण से मैं अक्षर और कुलदीप को सम्मान दे रहा था। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में कार्तिक अब तक 207 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 14 छक्के लगाए हैं। अब ऐसे में हर किसी को कार्तिक से उम्मीदें हैं कि वो ऐसा ही प्रदर्शन आगे जारी रखेंगे और T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करेंगे।